इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइनोसाइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, आप इसको घर पे ही कैसे मैनेज कर सकते हैं और आगे के लिए इससे, हमेशा के लिए इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली। तो साइनोसाइटिस समझने से पहले आपको साइनस समझ लीजिए कि साइनस होते क्या है। तो ये साइनस, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, खोपड़ी की जो हड्डी है आपके, जो इसमें कुछ हॉलो स्पेसिस यानी कि खाली जगहें होती हैं, इन्हें हम साइनस बोलते हैं। ये एक तो पेयर में होते हैं, आठ होते हैं टोटल, एक इधर लेफ्ट राइट हमेशा होते हैं, और ये इनकी जो ओपनिंग होती है वो आपकी नाक में खुल रही होती है। इनका काम ये होता है कि आपके जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ये आपकी एयर की क्वालिटी, जो आप अंदर सांस खींच रहे होते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ा देती है, यानी कि उसकी ह्यूमिडिफाई कर देती है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर देती है। मॉइस्चर इस तरीके से ऐड करती है कि इसकी जो आपके साइनस हैं, इनमें एक बारीक सी एक लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसमें से कुछ म्यूकस सिक्रेट होता रहता है हमेशा, और वो आपकी नाक में ड्रेन होता रहता है, वो आपको महसूस नहीं होता। आप ये महसूस जब होता है, जब आपको साइनोसाइटिस हो जाएगी, जिसका हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये म्यूकस आपके एयर को जो आप खींच रहे होते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करता है। दूसरा काम होता है साइनस का कि आपकी जो आवाज की क्वालिटी है उसको रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको अच्छा करता है। और आप तीसरा एक काम हो गया कि आपकी खोपड़ी का वेट जो है कम से कम रखता है, क्योंकि अब ये जब खोपड़ी आपकी हॉलो हो गई, हड्डी हॉलो हो गई यानी कि अंदर से गड्ढे हो गए, तो उतनी आपकी हड्डी का वेट कम हो गया। जो साइनोसाइटिस है, जो सबसे कॉमन होता है, वो इस एरिया का जो आपकी चीक बोन है, मैक्सिलरी एरिया, इसका सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। कि कुछ दो फ्रंटल साइनस होते हैं, वो आप इस पिक्स में देखेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये थायमॉइड होते हैं और दो सिग्मॉइड साइनस होते हैं, ये लेफ्ट राइट होते हैं, और ये हमेशा ये आपकी नाक के अंदर खुल रहे होते हैं। अब साइनोसाइटिस समझ लेते हैं। साइनोसाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना आपके साइनस का। तो इसका सबसे बड़ा या जो सबसे एक ही कारण है कि जब इसका रास्ता, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नाक में खुल रहा होता है, वो किस कारणवश ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वो चाहे वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, एलर्जी से हो, या नाक के अंदर कोई डिफेक्ट हो, आपका मांस बढ़ गया हो, या आपकी नाक का जो अंदर की बीच की हड्डी है वो ये इधर उधर हो गई हो, या आपको कोई एलर्जीज रहती हो 12 महीने, तो इस कारण म्यूकस ज़्यादा बनेगा, वो क्लॉक हो जाएगा, और फिर वो जो आप मैंने बताया था ना कि वो धीरे धीरे आप म्यूकस बनता रहता है इनकी लाइनिंग में साइनस किया, वो बाहर ड्रेन होता है, तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाएगा, ड्रेन नहीं हो पाएगा, वहाँ इकट्ठा होगा, फिर उसमें बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, तो एक तरीके से गंदगी जमा हो गई आपके साइनस के अंदर बिकॉज ऑफ दैट क्लॉग, यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो फिर जब ये गंदगी जमा हो गई तो फिर आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे। अब सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको नज़ले जुकाम की वजह से, अगर एलर्जी की वजह से हुआ है तो आपको छींके वगैरह तो आएंगी आएंगी, ठीक है, नाक बहेगी, ये हो गया। अगर वायरल या कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको हुआ है तो फिर आपको फीवर भी हो सकता है, मलेज यानी कि थकान भी हो सकती है। अब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो लक्षण है, अब वो डिपेंड करता है कौन सा साइनस आपका अफेक्ट हुआ है। अभी आप फोटो में मैंने आपको दिखाई दे कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। अब आपका मैक्सिलरी हो गया तो आपके इस एरिया में आपको दर्द हो सकता है। एथमाइड साइनस आपके आसपास वाला हो गया तो फिर आपका आपकी आंखों की रोशनी में फर्क पड़ सकता है, आपको आंख से पानी आ सकता है, आपकी आंख लाल हो सकती है, आपके आधे सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं। आपको जो आपकी ट्यूब होती है, ऑस्टेशियन ट्यूब, वो आपके अलग में खुल रही होती है, उसमें सूजन आ जाए तो फिर आपको सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, आपको लगेगा कान आपका बंद हो रहा है, या कान में पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसके ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कि आपको डिपेंड करता है कि कहाँ का साइनस, कौन सा साइनस आपका इफेक्ट हुआ है और क्या उसके पीछे कॉज रही है। कॉज मैंने आपको बता दी, सबसे कॉमन जो होती है वो होती है इसका वायरल इन्फेक्शन। साइनोसाइटिस तीन प्रकार की होती है, एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। अब एक्यूट अगर 3 हफ्ते से कम है, अभी शुरू हुई है, 3 हफ्ते नहीं हुए, तो इसको एक्यूट बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स जो है आपके थोड़ा इंस्टेंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। और आपका क्रॉनिक 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो गए हैं और ये चले जा रही है, तो इसको क्रॉनिक बोलते हैं। और एक होती है रिकरेंट, यानी कि वो कभी होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर होती है, इसमें रिलैप्सिस होते रहते हैं बीच में, इसको रिकरेंट साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे पता लगाएंगे आपके डॉक्टर, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं PNS यानी कि वाटर्स व्यू
एक एक्सरे होता है चेहरे का, उसको हम पीएनएस एक्सरे बोलते हैं, तो उसमें आपके ये सारी हॉलो स्पेसिस जो साइनस हैं वो आ जाते हैं, और उसमें कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, पानी भरा होता है, म्यूकस भरा होता है, कोई भी गंदगी भरी होती है तो वो उसमें दिख जाती है, आपको पता लग जाता है आपके डॉक्टर को कि ये साइनोसाइटिस है और आपका ये वाला साइनस अफेक्ट हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करें या रादर होम रेमेडी की बात करें, तो सबसे बढ़िया इसका ट्रीटमेंट होता है आपको स्टीम लेनी होती है, उस रास्ते को खोलना है जो बंद हो गया है उसको खोलना है, और वो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है स्टीम। जितना आप स्टीम लेंगे और उस एरिए को उतने से बचाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टीम लेनी होती है, 5 से 7 बार आप स्टीम लें बहुत अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट ही ले रहे हैं, और आप उसमें विक्स इनहेलर या कारवोल प्लस या आपका सिनारेस्ट वेपोकैप ये डाल के कोई भी आप ले सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप सादे पानी की ही भाप लीजिए। इससे आपका जो म्यूकस है वो पतला होगा तो उसको बाहर निकलने में, जो बलगम आपका गाढ़ा हुआ हुआ है उसको बाहर निकलने में आसानी होगी, और वो फिर सारा ड्रेन हो जाएगा, और वो जब जगह खाली हो गई तो साइनोसाइटिस ख़त्म। बलगम में बदबू आ रही है जो नाक से म्यूकस निकल रहा है, बलगम आ रही है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उसमें पीलापन है या हरापन है, तो इसमें फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर आपके डॉक्टर आपको 5 से 7 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि एमोक्सिसिलिन और एमोक्सिसिलिन के और क्लोक्सासिलिन के साथ कॉम्बिनेशन ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, म्यूकस आसानी से ड्रेन हो पाए या कम हो जाए, ठीक है। और अगर आपको पेन वगैरह है, खासकर आधे चेहरे पे पेन मैंने बताया था जैसा इसमें होता है, सर में दर्द है, तो आपके डॉक्टर आपको पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, वो आप लेंगे तो उससे पेन में फ़र्क पड़ जाता है। या अगर आप कोई गीली टावल और खासकर गर्म टावल आप रखते हैं अपने चेहरे पे, तो इससे म्यूकस जो आपके साइनस है उनकी सिकाई होती है, तो आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। आपको देखना होता है कि नाक की म्यूकोजा है खासकर वो सूखने ना पाए, तो इसके लिए आपको बार बार पानी डालना होता है, या इसके लिए एक सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, ये नेजोक्लियर के नाम से आते हैं, नेजोक्लियर सलाइन ड्रॉप या ओट्रोविन सलाइन ड्रॉप आते हैं, ये स्किन पे आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लेके अपनी नाक में दिन में 3-4 बार 1 बूंद भी डालेंगे तो वो इरिगेट हो जाएगी, यानी कि सूखेगी नहीं अंदर से, तो सूखेगी नहीं तो फिर आपको सिम्टम्स भी कम आएंगे, और उसका ड्रेनेज जो रुका हुआ पानी है, रुका हुआ म्यूकस है, रुकी हुई गंदगी है, वो आराम से बाहर निकलेगी, आपको नाक में मिर्चें नहीं लगेंगी, जलन नहीं होगी, उसमें आपको हेल्प मिलती है। एक और, अगर जलन आपको ज़्यादा हो रही हो तो एक और देसी नुस्खा मैं बता देता हूँ आपको, कि आप घर का बना हुआ देसी घी एक उंगली में लेके वो अंदर तक आप उसको लगाएंगे तो आपकी जलन में तुरंत आराम मिल जाएगा। ये भी बहुत एक कारगर उपाय है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नाक में इरिटेशन हो रहा होता है, मिर्चें लग रही होती हैं, जलन सी हो रही होती है। तो मेडिसिंस की बात करें तो मेडिसिंस का सच इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि आप स्टीम लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा, पर यह है कि अगर आपको ये जल्दी जल्दी होता है बार बार, तो आपको फिर ब्लड टेस्ट करा के देखना होता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। इसके लिए लगभग 2000 का टेस्ट होता है, ये एलर्जन टेस्ट होता है, जिससे पता लग जाता है कि आपको डस्ट से है, पॉलन से है, या किसी डीओ से या कोई और खाने की चीज़ से, आपको कॉमन जितने भी फूड आइटम है उसमें आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी, कि आपको उससे एलर्जी है तो उस चीज़ को आपसे बचना होता है। फिर कुछ मेडिसिन भी इसमें दी जा सकती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक सिट्रेजिन टाइप की, जो कि आपके एलर्जी को कंट्रोल में रखती हैं। और एक सेट्रिसिन के साथ मोंटेलिकास्ट, यानी कि ये मास सेल स्टेबलाइजर होता है, यानी एलर्जीज को रोकता है। तो आपको अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर आपको सेट्रिसिन या मोंटेलिकास्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी थोड़े टाइम के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइनोसाइटिस क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या लक्षण होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।